हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटीपुर चैनल पर। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 2022 की बीएससी बीकॉम एमएससीएम को सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एमएससीएम को फर्स्ट ईयर के भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बिल्कुल आपको फूड में लाइव दिखा रहा हूँ। रेगुलर प्राइवेट दोनों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बीएससी सेकंड ईयर और सेजन 21-22 के एडमिट कार्ड आ गए हैं। ये यहाँ पर मैंने ब्लर किया है प्राइवेसी के लिए। देख सकते हैं बीएससी सेकंड ईयर सेजन 21-22 किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। इस वीडियो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सकते आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं या आपके पेपर दिए गए हैं या आपके पेपर होने वाले हैं। आपको किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले मिलता है चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को, तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना और आपको सर्च करना है CCSU एडमिट कार्ड। आपको सिंपल सर्च करना है CCSU एडमिट कार्ड, आपको इतना सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन 21-22 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आपको इस लिंक पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है। अगर आपको अपना फॉर्म नंबर नहीं पता है तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करें फाइंड योर फॉर्म नंबर, तो आपको इस लिंक पर ही क्लिक कर देना है। अगर आपको फॉर्म नंबर नहीं पता है, आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है। आपको अपना कॉलेज को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज है। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है बीए सेकंड ईयर। इस तरीके से यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने बीए सेकंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना जेंडर मेल फीमेल इस तरीके से आपको एंटर करना। उसके बाद आपको नाम यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो कि भी कैप्चर कोड आएगा आपको यहाँ पर कैप्चर कोड एक बॉक्स में एंटर कर देना। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म नंबर आ जाएंगे। अब आपको सिंपल फॉर्म नंबर कॉपी करना है और आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर थ्री लाइन पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इस तरीके से आएंगे तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर जो आपने कॉपी किया है 6 नंबर का, वो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर जो है एंटर कर देना है। इस तरीके से फॉर्म नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर कोड आएगा कैप्चर कोड आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है और आपको सर्च पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सर्च पर, आपका एडमिट कार्ड आपको वाली स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर